झांसी में रक्सा थाना क्षेत्र में नहर किनारे पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान एक गायब आईटीआई छात्र की बाइक लावारिस हालत में खड़ी मिली, जिसे पुलिस थाने लाई और जांच पड़ताल की तो पता चला कि लावारिस अवस्था में मिली बाइक आईटीआई के छात्र की है, जो 20 अक्टूबर से गायब है, जिसकी परिजन लगातार खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उसका सुराग अभी तक नहीं लग सका। परिजनों ने अनहोनी होने की आशंका जताई। बताया गया कि मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी सत्यम कुमार स्वामी, जो मुरैना के रहने वाले हैं और मुरैना में आरएन कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं, यह अपनी पत्नी सुधा शर्मा और तीन बच्चे हर्षित स्वामी, अस्मित शर्मा 18 और बेटी अवनी शर्मा 15 वर्ष के साथ रहते हैं। 20 अक्टूबर की सुबह अस्मित शर्मा 11 बजे नाश्ता लेने की बात कहकर निकला और घर वापस नहीं आया। दोपहर 3 बजे तक घर वापस नहीं आया तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वहीं झांसी के रक्सा में रात 11 बजे लावारिस एक मोटरसाइकिल नहर किनारे रक्सा पुलिस को मिली, जिसे रक्सा थाने ले आई। पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि युवक मुरैना से गायब है। जब परिजन आज थाने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि अस्मित शर्मा आईटीआई का छात्र है, जो 20 तारीख से गायब है, लेकिन युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। परिजन अब अनहोनी होने की आशंका से डरे हुए हैं। मैं रक्सा थाने में आया हूं, यहां पे मेरा भांजा गुम चुका हुआ है, तो यहां पे इनको फरियाद देने के लिए, और यहां पे मेरी उस भांजा जो बाइक लेके गुम हुआ है, वो बाइक भी यहीं पे इनको बरामद हुई है। रवि परिहार की रिपोर्ट।